सभी लोगों को आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हैप्पी न्यू ईयर से दो दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो आज है मेरा बर्थडे और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। जैसे कि आपको पता है मैं हूँ भोपाल में, तो आजा आजा छुप क्यों रही, ऐसे छुप रही जैसे कि मैं मारूंगी इसे वीडियो में आएगी तो। नहीं, नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए पीपल्स मॉल, और बर्थडे मनाने वैसे हम लोग घर पे आएंगे, तो फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं पीपल्स मॉल। और यह है बिन्नू, तो ये भी आई है मेरे बर्थडे में वहाँ से यहाँ। हैं बिना मेकअप के भी अच्छे लग रहे हो आप, ले लो आपको आंटी कहीं पहले मेकअप करती हूँ, अच्छे लग रहे हो यार बिना मेकअप के भी अच्छे लग रहे हो। अच्छा क्या बोलो, हैप्पी बर्थडे और क्या बोल सकते हैं यार। मेरे व्यूअर जो आपको भी देखते हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर भी बोलो, हैप्पी न्यू ईयर सारे बच्चों को, सारे बड़ों को, सारे बुड्ढों को। बताओ बताना पड़ रहा है इसके बाद जाकर के हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं ये महारानी। हाँ और क्या बोलूँ फिर यार, इतना ज्यादा मन नहीं आता। कौन कौन जा रहे हैं हम आपको जब गाड़ी में भेजेंगे तब दिखाऊंगी। हम काफी सारे लोग जा रहे हैं, लोग घर के बड़े बड़े लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग हैं, उतने ज्यादा बच्चे भी नहीं है, कुछ कुछ बच्चे हैं, कुछ कुछ बड़े हैं। तो चलते हैं देखना पीपल्स मॉल। और पीपल्स मॉल जाने के लिए एक दिन जब हम फर्स्ट टाइम से आए ना, जब से हम आए हैं तब से हम लोग पीपल्स मॉल जाना है, पीपल्स मॉल जाना है ये बोल रहे हैं। ब्लॉग दिखाती हूं आपको पीपल्स मॉल का बर्थडे हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे, हमारी छोटी हिमा दीदी का बर्थडे हम घर में भी करेंगे वैसे सेलिब्रेट, लेकिन बाहर हम लोग सिर्फ अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दो दिन से कहीं गए हुए भी नहीं है, तो हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ बड़े कुछ बच्चे मिक्स करके। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। हम लोग आ गए घर से, हमारे साथ आइए तन्नू, दीपा दी, विन्नू, मंजू आंटी, अंशु और सोनू भैया। तो हम इतने लोग जा रहे हैं पीपल्स मॉल, और पता ये ब्लॉग, ये पीपल्स मॉल जाने के लिए हम कब से अटका पड़ा है हमारा ब्लॉग, जब हम पहले दिन आए थे ना, मैंने आपको बताया था पहले भी। अब एंड बता रहा है, अब पूरा हो रहा है, अब फाइनली हम लोग अभी भी सही पहुंचा दे तो ये लोग अभी भी पता चला भटक गए कहीं और, रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं वाला सीन ना हो जाए, चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ से दूसरे रिश्तेदार के घर चल देते हैं, ये वाला ना हो जाए लास्ट में, लेकिन पहुँच जाएंगे अभी सही आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ से ना ज्यादा दूर नहीं है पीपल्स मॉल, मतलब पास ही है। तो इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना मुझे, ये लोग कहाँ थे हम कहाँ थे, तो आज हम लोग फिर एक बनी गया घूमने आने का, वो भी बर्थडे के से ऐसा हो रहा है ना, एक के बाद एक लगातार बर्थडे आ रहा है। परसों एक तारीख को मामी का बर्थडे था, फिर आज मेरा, फिर परसों को किसी और का है, ऐसे करके एक एक करके बारी चल रही है। सबसे पहले बर्थडे भाई का, पहले बर्थडे जो आए थे भाई मेरे भाई का था। हाँ सबसे पहले मामा का बर्थडे बनाने भी रह गए भोपाल आकर, यहाँ आके ज्यादा बर्थडे हो रहे हैं, लाइन लगी, लाइन है, लाइन लगी, मेरा भी बर्थडे आ जाएगा, पप्पू और उसके बिन्नू का भी आ जाएगा, एक महीना दो महीना रुके, एक काम करते हैं सबका बर्थडे एक के साथ मना के चलेंगे। हाँ सही है, हाँ एक दिन सबका बर्थडे, सबका हिस्से का बर्थडे, एडवांस बर्थडे एडवांस का बर्थडे, और एक महीना एडवांस बर्थडे, ये वाला राइट लेफ्ट एडवांस बर्थडे। पीपल्स मॉल बाहर से देखो, बाहर से उतना सुंदर नहीं है, अंदर से काफी सुंदर है बोल रहे थे। पूरा ही ऐसे बनाया है क्या ये? हाँ पूरा शिप के आकार में देखो, अभी सब स्टार्टिंग हो गई है, देखो अभी पता है बाहर से वैसे गंदा लग रहा है ये, मतलब ऐसे गंदा हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसा अच्छा लग रहा है। हाँ अभी हो रहा है, अभी हाँ अभी सही है। तुम एक काम करो, नाव में सवार हो जाओ, देखो ये नाव है ना पूरी, अच्छा स्वागत लिखा है, उधर से जाना है समझे, देख स्टार्टिंग स्वागत आए, यहाँ की होगा ना ये, यहाँ की भाषा में, वाओ सही लग रहा है यार, कर था ना तो न्यू ईयर के उससे ज्यादा सजाया होगा, देखो पूरी लाइट 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 लगी हुई है ना न्यू ईयर, ये क्या ये वाला अलग पार्ट है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, जोन जंगल जोन के हिसाब से बनाया हुआ है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये वाला जंगल के उससे बनाया हुआ है ना, जंगल का पूरा वो दे रखा डिजाइन ही है, सुंदर लग रहा है। मुझे लगा था पहले बाहर से लाल कलर का ताज मिले, लेकिन अंदर जाके सच में तो लाल हो, अच्छा हुआ ठंडा ठंडा हो गया, ये बंदू
जगह जाएंगे, पहले ताजमहल देख लेते हैं। वैसे पास जाना अलाउड तो है, तो पहले पास जाकर के देखते हैं, उसके बाद और दूसरी दूसरी जगह जाएंगे। मतलब बहुत सारी जगह इधर घूमने की, तो पहले इधर पहले ताजमहल देखते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग दूसरी जगह। बुद्धिज्म चाइनीज लोग का रहता है यहाँ के, मतलब ताज होटल भी है मुंबई, आगरा, भोपाल, भोपाल में सारी चीजें मिलने वाली, सब एक ही जगह है यहाँ। जिसने आगरा में ताजमहल नहीं देखा है वो यहाँ देख लेगा। लाल किला उधर को है, ताजमहल और यह है ताज होटल जो कि जो मुंबई में है, तो उसका भी बना हुआ है। इसके अंदर भी जाने देते हैं, चल के देखते हैं फिर। बनाया तो बहुत सुंदर और हूबहू है यार, कुछ भी कहो है ना। हाँ बनाया तो बहुत सुंदर है और सेम टू सेम भी लग रहा है, पता है। अच्छा ही हुआ, चलो आज ही के दिन आना होगा हम लोगों ने यहाँ, तो वो पहला दिन मिस हो गया, तो आज पहले दिन के बाद हम आ रहे हैं। कितना दिन हो गया हमें, 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन बाद आ रहे हैं। ये अंदर से ताज होटल, ये है ताज होटल। रूम सिर्फ दिखाने के होंगे कि रहने के होंगे, हैं है रहने के लिए, उसे भी बढ़ के है। ओ मैं गिरूंगी तुम्हें, चलो पहाड़। यहाँ पे देखो बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ असली में पड़ी हुई है, यहाँ नकली में पड़ी हुई है। लेकिन किसी एंगल से हिमालय लग रहा है, बताओ। वो तो लग भी रहा था ताजमहल जैसा, लेकिन ये तो बिल्कुल हिमालय जैसा लग रहा है। थोड़ा हिमालय वाला ठंडा एरिया बना रखा है। वाकई में भोपाल में बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ साइड को नहीं, पचमढ़ी साइड को थे बाहर। ये नकली है, तो मसूरी जैसा लग रहा है। ये तो नकली पहाड़ है, ये असली पहाड़ थोड़ी है। इसमें ना खाली वाइट वाइट पेंट करा है, बर्फ गिरी है, बर्फ वाला टाइप का है नहीं, पेंट करा है जैसा लग रहा है। ये सही बनाया है, लेकिन मतलब यहाँ के लिए एक घूमने का स्पॉट टाइप का ना, मतलब काफी अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ नो एंट्री है, नो एंट्री, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। लाल किला नो एंट्री है, उधर नो एंट्री लिखा है। कितनी जगह थी यहाँ, मेन मेन, मेन मेन इतना ही है ना आंटी, मेन मेन इतना ही है ना। ये ट्रेन है, यहाँ पे हम थोड़ा घूमेंगे, घुमाएंगे। कोई नहीं घुमा रहे, कहाँ से लग रहा है कोई घूमता तो हम भी जाते, कोई घूम रहा है इस तरह। फोटो खिंचा रहे हो, कहाँ घूम रहे ट्रेन में, बस पता ही है इसके अराउंड में। लाल किला हो गया और ताजमहल, ताज होटल, वो देखो टॉयलेट भी है, वो तो ऑब्वियस सी चीज है, वो तो सब जो, वो तो सब जगह ही होता है। वो भी दिखाओ, वो आप दिखाओ, आप बनाना, आप बने कभी कब करेंगे, करोगे ना फ्यूचर वीडियो का काम, तो वही आप यही चीज दिखाना। दो गई वाओ, यहां को भी अच्छा है, सोनू खींचेगा भी अच्छा लग रहा है, एक नंबर पोज तेरी हटाई थी पोज। इतना गाना सुन के मुझे भी क्रेविंग हो रही है अंदर तक जाने की। कैसे करूं सिमटन बाहों में, जब रात गए ऊपर अच्छा गा रहे हैं, देखो कैसे ये दिल की सही गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। ये साइड पूरा खाने का कॉर्नर है, सारा साइड से, मतलब इधर साइड पूरा खाने खाने का है, इधर साइड और इधर साइड ना, एक मतलब घोड़ा भी ऐसे घुमा रहे हैं, पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं। छोटी छोटी शॉप टाइप की है, मतलब इधर साइड लिया है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे। तो पहले पेट पूजा, उसके बाद देखो यहाँ की लाइटिंग कितनी गंदी है, फेस कैसा हो गया अभी अभी, लाइटिंग कितनी खराब है, आगे जाके जगह तुम्हारा कैमरा खराब है, मेरा बहुत अच्छा कैमरा है भैया, बहुत पैसे लगा के लिया है वो कैमरा मैंने। दो मिनट में खाना है, अंधेरा हो गया तो अभी अच्छा लग रहा है ना, अभी अभी अंधेरा अंधेरा सा हो गया तो अभी लाइट ज्यादा चमक रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह कितना अच्छा लग रहा है, देखो मेरे इसमें रंग बिरंगा सा।
गई हमारी एग्जिट, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी भी जाना है ना घर, क्योंकि खाना वाना बनाने में हेल्प करनी है, तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं डोमिनोज में पिज्जा खाने के लिए। मैंने एक बार खाया था, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा था उसके, मैंने खाया नहीं तो आज मैं लोग के साथ खा ली। तू तो ऐसे वेज पिज्जा खाती होगी ना, तुम नॉन वेज वाले क्या करें हम? अब तो नॉन वेज खाना शुरू कर दे, कुछ नहीं होता पता है, नॉन वेज से स्किन अच्छी होती है, नॉन वेज खाना चाहिए स्किन अच्छी। अगर मैं खा लूँ लेकिन मेरा मन जैसा नहीं करता है, जब तू खाएगी ना आने के, जब तू खाना खाओ तो मन में भी नहीं बनाना यार ऐसा ऐसा कुछ, चुपचाप खा लो सब आता मिल जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं घर को और बहुत लेट हो गई है, 6:30 बज गया मतलब लगभग, तो अब घर जा करके केक वगैरह कट करेंगे, तो इसलिए हम लोग फटाफट करते हैं। बस अभी हमने केक लेना है और उसके बाद हमने वापस घर को जाना है। देखो मैं कितना घर जाके सरप्राइज देंगे। वाओ, किसको दोगे घर जाके सरप्राइज? उसको घर जाके सरप्राइज देंगे, अभी मैं लूंगी फिर मेरे को घर जाके सरप्राइज मिलेगा। मैंने आज पहला बर्थडे था घर से जो बाहर मनाया, और अच्छा भी लगा, यहाँ के लोग भी बहुत सारे बहुत अच्छे हैं मतलब, तो इन लोगों को भी थैंक यू और आप लोगों को भी थैंक यू, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे विशेज दिए थे, तो सब लोगों को थैंक यू बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू। तो आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।